जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दो भाइयों के झगड़े में सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। सीआरपीएफ जवान छत्तीसगढ़ में तैनात थे और एक हफ्ते पहले ही छुट्टी पर घर आया था। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ जवान का कोई विवाद नहीं था, परिवार में दो भाइयों में आपस में झगड़ा चल रहा था। दोनों भाइयों को मारपीट करता देख जवान बीच बचाव करने गया। इस दौरान दोनों भाइयों में से एक की लाइसेंस बंदूक से गोली लग गई और सीआरपीएफ जवान की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सीआरपीएफ जवान का नाम धर्मेंद्र है, जो कि 24 साल का था। सीआरपीएफ जवान की मौत की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने बताया कि गोली लगने से सीआरपीएफ जवान की मौत हुई है। दो भाइयों के बीच झगड़ा चल रहा था जिस हथियार से गोली चली है उसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही गांव के कुछ लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, वहीं समूचे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। बाकी दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि मृत जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा।